नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार शख्स, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति, खुफिया एजेंसी KGB का हिस्सा भी रह चुके हैं। आज हम आपको उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ रूस की KGB से कई कदम आगे निकल गई थी। आज तक में छपी खबर के मुताबिक एक नई किताब रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडीज कॉवर्ट ऑपरेशंस में इसका खुलासा हुआ है। इसके लेखक यतीश यादव हैं जिन्होंने रॉ के एक सीक्रेट मिशन को लेकर कई बड़े खुलासे किताब में किए हैं। किताब में दावा किया गया है कि 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ ने रूस के दो लोगों को अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। आज तक के मुताबिक रॉ के इन दोनों सीक्रेट एजेंट्स का उस वक्त की मिखाइल गोर्बाचेव कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे एडवर्ड एम्ब्रोसिएविच शेवार्डनाडसे और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर से गहरा कनेक्शन था। किताब में किसी भी व्यक्ति विशेष के असली नाम का खुलासा नहीं किया गया है, सभी को कोड नेम दिया गया है। इसके बावजूद यतीश यादव ने बतौर लेखक किताब में जो संकेत दिए हैं वो ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि इनमें से एक जासूस एडवर्ड शेवार्डनाडसे का भाई था, जबकि रॉ के लिए काम करने वाली दूसरी जासूस व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। इसकी शुरुआत नवंबर 1988 में हुई थी, जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे को लेकर यतीश लिखते हैं, रॉ के अशोक खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्री नाम के शख्स से हुई थी। ये रशिया के एक बड़े नेता के भाई थे जो एक दौरे पर गोर्बाचेव के साथ भारत आए थे। इस दौरे पर गोर्बाचेव के साथ उनके विदेश मंत्री एडवर्ड शेवार्डनाडसे साथ थे। कुछ महीनों के बाद अशोक खुराना के संपर्क में अलेक्जेंड्री के अलावा अनास्तासिया कोरकिया भी आई। अनास्तासिया उस वक्त एलेक्सी को डेट कर रही थी जो कि खुफिया एजेंसी FSB में शीर्ष पद पर था। किताब के मुताबिक अशोक खुराना अलेक्जेंड्री और अनास्तासिया दोनों के साथ लगातार संपर्क में थे। साल 1989 के आखिरी 6 महीनों में अलेक्जेंड्री और अनास्तासिया दोनों रॉ एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए। जून 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने से कुछ महीने पहले ही खुराना ने अमेरिका और सोवियत के यूनाइटेड जर्मनी के लिए बनाए गए रोड मैप को तैयार कर लिया था। इसके बाद ऑपरेशन अजालिया की शुरुआत हुई। यतीश यादव ने अपनी किताब में अनास्तासिया कोरकिया के जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है वो FSB में किसी बड़े पद पर था, जिसने 2000 में प्रमोटेड होने से पहले 1999 में रूस के मामलों का संचालन किया। ये समय सीमा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करियर से काफ़ी मैच होती है। पुतिन 1998 से 1999 में FSB के प्रमुख थे। साल 1999 में वह रूस के प्रधानमंत्री बने और 2000 में राष्ट्रपति का पदभार संभाला। रॉ का ऑपरेशन अजालिया साल 2001 में बंद हो गया। अशोक खुराना के लिए यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर विजय और विफलता दोनों में समाप्त हुआ। अपने इस किताब में यतीश यादव ने ऑपरेशन खत्म होने के कुछ साल बाद खुराना से अलेक्जेंड्री की 2004 में बर्लिन में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है। किताब के मुताबिक अलेक्जेंड्री आए और उन्होंने खुराना की पीठ थपथपाई। उन्हें देखकर मैं थोड़ा खुश और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसके बाद उन्होंने चुपके से मेरे कान में कहा, हम 2001 में हुए संसद हमले को रोक सकते थे। उनका मतलब था, अगर वह अभी भी रॉ के लिए काम कर रहे होते तो 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले को नाकाम कर सकते थे। ये खुलासा यतीश यादव की किताब
रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडीज कवर्ड ऑपरेशंस में हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।